व्यवस्था हो, दो आदमी रहे जो उसकी प्रबंधन कर सके और उनकी सेवा 24 घंटे हो। सही सारी चीजें यहाँ हम लोग उस पर फाइनलाइज करेंगे और इसी क्रम में विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं अपने सचिव महोदय श्री विशंबर बंका जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो इस बारे में कुछ जानकारी दें फिर मैं और बताऊंगा। मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शिव शंकर ठाकुर जी से आग्रह है कि वो यहाँ आए और अपने स्थान को करकर अपने संस्था को कई गुना आगे बाकी संस्थाओं से कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके इस कार्यक्रम में जो लोग सहयोगी हैं, जो सहयोग दिए तन से मन से या धन से किसी भी रूप में उन्होंने सहयोग दिया, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी आभारी हूँ। ये सब कार्यक्रम में जो भी सहयोग होता है बहुत बड़ी बात सभी पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष सचिव और हमारे जैनगढ़ समाज से आए हुए सभी प्रमुखगण, आप मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज जो हुनर का मुख्य विषय यही था, इतनी बड़ी चीज जो आज समाज में धरोहर के रूप में सामने आ रही है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, वाकई उसका संचालन सही ढंग से हो ये सबसे बड़ी बात है। और उस संचालन के लिए एक सुझाव तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज का एक तो समय भी हो गया, बहुत सारे लोग बढ़कर और लोग बोलेंगे, एक यहाँ की जो वास्तविक में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो करने वाले लोग, उनकी एक कमेटी बनाए और किसी मंडे को या संडे को किसी सब लोगों को सहूलियत हो, चार घंटा पांच घंटा छह घंटा इस पर डिस्कशन करने के लिए संक्षिप्त रूप से नहीं हो, क्योंकि धरोहर अगर बनी है समाज के सहयोग से बनी है तो उसका संचालन बेहतर ढंग से हो, क्योंकि जय माता दी ये बहुत बड़ा सपना देखा था, इस समय इसकी शुरुआत हुई और मैं जानता हूं जब इसकी चर्चा हुई तो बहुत सारे लोग इसी समाज के लोग हंसते थे, कितना बड़ा काम, क्या काम कर रहे हो, लेकिन उस सपने को जमीन पे यथार्थ पे उतारने में कितनी श्रम कितनी मेहनत लगा है, इसमें जो चार पांच लोग बहुत करीब से जुड़े हैं उनका भी जी जाता होगा। तो समाज में जाता है सब कुछ ठीक है, बेहतर चीज आई है, रख रखाव बेहतर हो, सुविधा बेहतर हो, और मुझे ये सुझाव बिल्कुल पसंद आया कि जो बिल्कुल प्रबुद्ध निस्वार्थ भाव से जो करने वाले लोग हो, चाहे वो जय माता दी में हो या जय माता दी से बाहर हो, और छोटी कमेटी बन नीचे ये भी, ये नहीं कि बहुत बड़ी 41 ये कोई ऐसा संस्थागत राजनीतिक दल नहीं है जिसमें हर लोगों को खुश करना है, इसमें काम करना है, तो काम तभी होता है जब कमेटी छोटी हो और काम करने वाले लोग रहें और सब लोग काम करें। और मैं इसी आशा के साथ इस सपने को जमीन पे उतार तो दिया गया है, अब ये हम सभी जनगण वासियों की ये परीक्षा की घड़ी है और इसको अच्छे से अच्छे ढंग से एक अच्छी कमेटी बना के इसका बेहतर संचालन हो, और सिर्फ जयनगर वासियों को नहीं अगल बगल आसपास के जितने भी लोग हों इसका लाभ मिले, इन्हीं आशाओं के साथ इन्हीं विश्वास के साथ मैं सभी कामदाता हूं जो इसमें समय दिए हैं पुनः मैं इनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। 15 तारीख से पहले वो हम लोग कर रहे हैं और जो वाकई उनकी सहमति से जो समय दे सकते हैं और मन से जुड़ के अगर कुछ ऐसा चाहते हैं 1 साल के लिए सही, 1 साल में फिर कमेटी को चेंज कर लेंगे
लेकिन 10 ही लोग जुड़े एक साल के लिए, वो पूरे समय के साथ और से जुड़े, फिर दूसरे तीसरे साल फिर कोई कमेटी में फिर चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से और संचालन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोशिश पूरी रहेगी कि बेहतर ढंग से संचालन होगा। जब बना है इतना तो संचालन भी अच्छा होगा, ये ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। और इस विषय में और भी कोई होगा तो हम लोग विचार करेंगे। लकड़ी की व्यवस्था यहाँ हमेशा रहेगी, ये हम लोग की कमेटी ने फाइनल कर लिया है। उसका प्रारूप क्या रहेगा वो हम उस मीटिंग में हम लोग बैठेंगे फाइनल कर लेंगे। तो उसको किस रूप में करना है, कुछ एक आइडिया ऐसा कि मतलब एक तौर पर देना है, लेकिन हम लोगों में काफी लोगों में विचार आया था कि नहीं जब अंतिम रूप में यहाँ भी तरह जो लगना एक फिक्स है कि 3 क्विंटल या कुछ 3.5 क्विंटल लगता है, तो उसका ये मोटा मोटी एक कर लेंगे। 500 कम लग जाए या उनके तरफ से ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, संस्था को भी फर्क नहीं पड़ेगा, देने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक मुफ्त एक राशि तय कर दी जाए कि जो, और मेरे हिसाब से जो जिस टैक्स ये बनाया गया है तो नीचे का होगा वो लगेगा नहीं, तो लकड़ी कम लगेगी, जो एक जनरल लकड़ी लग रही है उससे ये कम लगेगी। और गोरहा की जहाँ व्यवस्था है तो तत्काल हम लोग बाहर में ये व्यवस्था कर रहे हैं, अभी इस कैंपस में नहीं होगा, लेकिन कैंपस के ठीक बाहर हम लोग एक सेट दे कर दें, नीचे चबूतरा बना करके बाउंड करके ऊपर हम लोग सेट लग दे रहे हैं, वो एक तत्काल व्यवस्था गोरहा की रहेगी, वहाँ वो चालू हो जाएगा गोरहा कभी, वहाँ हम लोग करेंगे। इसके बाद बगल में जो हम लोग का एक है, अगर वो हो गया काम तो उसमें हम लोग परमानेंट रूप की व्यवस्था, एक मंदिर का भी मन में है कि काल भैरव का अच्छा मंदिर, और फिर अगर थोड़ा विलंब होगा तो हम लोग एक कारीगर से समस्तीपुर देख के आए थे, तो चिंपापुर का कोई गांव है वहाँ का बहुत अच्छा एक कारीगर, इतनी सुंदर वहाँ प्रतिमा बनाया है, एक पूरा सेट ऊपर दे करके और करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमा की शंकर भगवान की है, वो हम इस पूरब और उत्तर कोने पे हम लोग यहाँ चबूतरे कभी बनवाएंगे सरकार के लिए, वैसे मंदिर का प्लान हम लोग को है। और रामचंद्र जी ने कहा कि वो तो ये हमारी संस्था फाइनल कर चुकी है कि जो निहायत ही गरीब होंगे, बहुत अक्षम गरीब नहीं मतलब गरीब तो कहिए बहुत है, जो वाकई अक्षम होंगे हमारे पास एक आवेदन देंगे, जो कमेटी हम लोग तय करेंगे वो कमेटी पास कर देंगे, तो हम लोग बिल्कुल निःशुल्क उनका वो करेंगे, ये हमारे तरफ से बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं की प्रेरणा है कि आज हम लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं, इसको हम लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। और जितने भी सभी समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख, आपको मैं पावर दे रहा हूँ, आपको अधिकृत कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी कुछ भी कमी आप महसूस करें इसमें मेरे योगदान का महसूस करें तो मैं देने के लिए इसके बाद भी वचनबद्ध हूँ।